मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, परागण, निषेचन और भ्रूण परिवर्तन। यानी 3 प्रक्रिया से परागण, निषेचन और भ्रूण परिवर्तन। सबसे पहले बात करेंगे परागण। देखिए, परागण या पोलिनेशन क्या है? परागण प्रक्रिया जो है, यानी देखिए, परागकोष, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा होगा परागकोष, और परागकोष में किसका परिवर्तन होता है? नर युग्मक। किसका? नर युग्मक का। नर युग्मक किसे कहते हैं? पराग कण को। नर युग्मक का नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। क्या है? पराग कण, अर्थात परागकोष से पराग कण, परागकोष से पराग कण का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। ये देखिए, नर युग्मक जो पराग कण है वो कहां तक पहुंचे? वर्तिकाग्र तक। पिछले अध्याय में जायांग की संरचना पढ़ी होगी, ये वर्तिका और ये फूला हुआ भाग अंडाशय, और यहाँ ये मैं कह रहा हूं कोई क्या है? परागकोष है। क्या है? परागकोष। इस परागकोष से पराग कण यहां तक पहुंच रहे, कहां तक? वर्तिकाग्र तक। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? पराग कोष। और ये क्या है? पराग कण। देखिए, पराग कणों का क्या कहेंगे? पराग कणों का पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण या पोलिनेशन कहलाती। अब परागकण की संरचना हमने पढ़ी, परागकण कैसे हैं? अचल होते हैं। परागकण किस प्रकार के हैं? अचल, नॉन मूवमेंटेबल होते हैं, अर्थात स्वयं गति नहीं कर सकते। इसलिए यहां से जब परागकोष स्फुटित होगा, परागकोष में जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोष क्या होगा? स्फुटित। परागकोष का स्फुटन, स्फुटन आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से होता है? परागकोष के अंदर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी की भित्ति की कौन सी परत? एंडोथीसियम, अधस्त्वचा की जो परत है उसकी कोशिकाओं में सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो कैसी? आर्द्रता ग्राही। और उन पट्टिकाओं के शुष्क होने से परागकोष का स्फुटन होता है। अरे, परागकोष का स्फुटन हुआ, अचल, नॉन मूवमेंटल पराग कण, सॉरी, क्या चीज है? पराग कण पराग कण मुक्त हो गए। क्या मुक्त हुए? पराग कण। अब यहां ये अचल है, मैं कह रहा हूं कैसे? स्वयं गति नहीं कर सकते, इसलिए कहां तक पहुंचने हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचे। तो यहां से इनका यहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? परागण। अब ये स्वयं कैसे हैं? अचल है, तो कैसे पहुंचेंगे? विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा जा सकते हैं, जल के द्वारा जा सकते हैं, अथवा विभिन्न कीट व
जंतुओं द्वारा, यानी जो परागकण है वो किन माध्यमों के द्वारा, वायु जल अथवा विभिन्न जंतुओं के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? पराग को स्फुटित होने के बाद ये परागकण स्वयं गति नहीं कर सकते, इनके द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब देखिए ये इनके पहुंचने की जो व्यवस्था, यानी पहुंचने के आधार पर परागकण को दो प्रकार में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक है स्वयं परागण और दूसरा है पर परागण। स्वयं परागण और पर परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रकार से दो भागों में, एक कौन सा है? स्वयं परागण और दूसरा कौन सा है? पर परागण। यहां देखिए स्वयं परागण जो है एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर लगे पुष्पों के मध्य, एक ही पुष्प यानी उसी, जैसे ये देखिए ये यहां इसी पुष्प का तो परागकण, इसी पुष्प के परागकण है, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, यानी एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर, अथवा हम क्या कहें, एक ही पौधे पर लगे विभिन्न पुष्प, एक पुष्प एक पौधे पर एक से अधिक पुष्प हो सकते हैं, और उन पुष्पों के बीच यानी परागण की प्रक्रिया हो रही है, यानी एक ही पौधे, पौधा नहीं बदल रहा है, एक ही प्लांट के पुष्पों के मध्य परागण प्रक्रिया हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? स्वयं परागण। सामान्य तो क्या क्या कहें, एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य परागण प्रक्रिया होना क्या कहलाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। अब यहां मैंने दो कंडीशन लिखी, एक ही पुष्प या एक ही पुष्प पौधे पर लगे विभिन्न पुष्प, इनके मध्य यदि परागण हो रहा है तो देखिए इसको तो कहते हैं ऑटोगेमी। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी या स्वयुग्मन, और इसे कहते हैं सजात पुष्पी स्वयं परागण या जेटो गेमी। ये दो, अब देखिए एक ही स्वयं परागण हमने दो भागों में बांट दिया, स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय। स्वयुग्मन जो है ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी? ऑटो गेमी। क्या कहलाएगी? ऑटो गेमी, अर्थात एक ही पुष्प के मध्य परागण होना, या यूं कहूं उसी पौधे के परागकण, सॉरी उसी पुष्प के परागकण, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसे स्वयं परागण कहते, सॉरी स्वयं युग्मन कहते हैं, यानी स्वयं परागण का हिस्सा है ऑटोगेमी। का मतलब क्या? एक ही पुष्प, वर्तिकाग्र और परागकण दोनों एक ही पुष्प के होने चाहिए, वर्तिकाग्र और परागकण दोनों कैसे होने चाहिए? एक ही पुष्प के हैं, तो इस प्रकार का जो परागण है क्या कहलाएगा? स्वयं युग्मन। और जबकि स्थिति हम बात करें इस प्रकार से, एक कोई पौधा है इस पर ऐसे अलग अलग पुष्प लगे हुए, अब मैं कह रहा हूं इसके जो परागकण है मान लीजिए इस तक जा रहे हैं, या इसके परागकण इस तक जा रहे हैं, आपस में एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर विभिन्न पुष्प लगे हुए,
ऐसे ये पुष्प लगा और मैंने कहा इसके परागण इस पे है, तो यहाँ एक ही पौधे पर लगे पुष्पों के मध्य, एक ही पौधे पर लगे पुष्पों के मध्य क्या हो, परागण, कौन सी प्रक्रिया हो जाए, परागण तो क्या कहलाएगा, सजात पुष्पीय स्वय परागण, यानी देखिए एक ही पौधे पर, अब केवल इसी पुष्प के अंदर परागण हो रहा है तो स्वय युग्म माने, और एक पौधे पर लगे नहीं आपस में हो रहा है तो कैसा है, सजात पुष्पी, तो यहां देखिए पौधा एक ही है यानी आनुवांशिक लक्षण समान है, आनुवांशिक लक्षण कैसे हैं समान, अर्थात एक ही पौधे में या एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है, यानी जो स्वय परागण की प्रक्रिया होती है इसमें जेनेटिकली करेक्टर्स जो होते हैं, आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक, तो यानी स्वय परागण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक ही पुष्प के मध्य हो रहा है तो स्वय युग्मन, और एक ही पौधे पर लगे विभिन्न पुष्पों के मध्य हो रहा है तो कैसा है, सजात पुष्पीय, स्वय युग्मन का उदाहरण है मटर, इसका उदाहरण है मक्का, ककड़ी, यानी स्वय परागण में स्वय युग्मन मटर का जो पुष्प है उभयलिंगी होता है, स्वय परागण होगा, जबकि मक्का के जो पुष्प है एक लिंगी होते हैं, लेकिन एक ही पौधे पर आते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, आते एक ही पौधे पर है, उनके अंदर कैसा होता है, सजात पुष्पीय परागण होता है, इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वय परागण। अब बात करें किसकी, पर परागण की, पर परागण क्या है, अभी यहां एक ही पौधे की बात हुई या एक ही पुष्प की बात हुई, लेकिन यहां पे क्या, एक जाति, एक ही जाति यानी प्रजाति, यानी यहां पे समान प्रजाति रहे, समान प्रजाति के भिन्न, समान प्रजाति के भिन्न पौधों पर लगे पुष्पों के मध्य परागण, यहां एक चीज ध्यान दें, कौन सी, समान प्रजाति, प्रजाति एक होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है विशेष प्रकार के प्रोटीन परागण द्वारा स्रावित किए जाते हैं और वर्ती काद्र के द्वारा, इनके बीच पराग स्त्री परस्पर संक्रिया होती है, क्या होती है, पराग स्त्री परस्पर संक्रिया, जिसके द्वारा ही परागकण आपस में पहचानते हैं कि एक प्रजाति के हैं या भिन्न प्रजाति के, समान प्रजाति के परागकण ही समान वर्ती काग्र पर अंकुरित हो पाते हैं, यदि ये वर्ती काग्र है इस पर कोई भिन्न जाति का परागकण पहुंच गया, कैसा, मैं कह रहा हूं कोई मान लीजिए भिन्न जाति का परागकण पहुंच गया, पहुंच तो सकता है लेकिन वो अंकुरित नहीं होता, इस पे यहां उसमें पराग नली का परिवर्तन नहीं होगा, भिन्न जाति का पहुंच जाता है उसे परागण में नहीं गिनते, वो परागण है जो कोई काम का ही नहीं है, तो यहां इसलिए हम क्या कह रहे हैं, समान भाई पहुंच तो सकते हैं, क्योंकि वायु के द्वारा जल के द्वारा कीटों के द्वारा इस वर्ती काल में भिन्न जाति के परागण पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें पराग स्त्री परस्पर संक्रिया विपरीत होने के कारण ये अंकुरित नहीं हो गई, तो यहां इसलिए कहेगा समान प्रजाति, समान प्रजाति के कोई अलग अलग पौधे हैं और उन पर पुष्प लगे हुए, उनमें एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पौधे यानी एक पादप के पुष्प के परागकण सजातीय
दूसरे पादप की वर्ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण, यानी स्वयं परागण होता है एक ही पादप, एक प्रजाति, या एक ही पादप के मतलब प्रजाति तो एक ही रही, या तो एक ही पादप है, लेकिन यहाँ क्या एक प्रजाति के भिन्न पादप। स्वयं परागण में एक ही पादप के पुष्पों के अंदर होता है, पर परागण में समान प्रजाति के भिन्न पौधों के मध्य पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया क्या है, परागण की परिभाषा तो सीधी क्या, परागकोष यानी परागकण होता है वर्ती काग्र तक पहुंचना। फिर दो प्रकार का है स्वयं परागण, यानी एक ही पुष्प या एक ही पौधे, एक ही पुष्प या एक ही पौधे पर लगे भिन्न पुष्पों के मध्य होता है तो क्या है स्वयं परागण है। अब स्वयं परागण फिर दो प्रकार का है, कौन कौन सा? एक ही पुष्प के मध्य परागण हो रहा है तो स्वयुग्मन, एक ही पौधे पर लगे भिन्न पुष्पों के मध्य हो रहा है सजात पुष्पीय, एक ही प्रजाति यानी समान प्रजाति के भिन्न भिन्न पौधों पर लगे पुष्पों के मध्य हो रहा है तो क्या कहलाएगा? पर परागण। ठीक, इस प्रकार ये क्या है परागण की परिभाषा, यानी परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वयं परागण और पर परागण। अब देखिए स्वयं जो परागण है, पहले हम बात करेंगे किसकी, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, स्वयं सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागण हेतु अनुकूलन, स्वयं परागण हेतु अनुकूलन सबसे पहली बात है उभयलिंगता। अनुकूलनों में पहला क्या है, उभयलिंगता, या इसे द्विलिंगता भी कहते हैं, उभयलिंगता या द्विलिंग। अब इसमें देखिए, यानी या तो पुष्प कैसे हो उभयलिंगी, पुष्प कैसे हो उभयलिंगी या द्विलिंगी। अब देखिए द्विलिंगी किसे कहें, यानी जिसमें पुमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर केसर भी हो और स्त्री केसर भी हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंग पुष्प कहते हैं। यदि हम पौधे की बात करें तो इस पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों होने चाहिए, यानी स्वयं परागण के लिए या तो पादप उभयलिंगी हो जैसे मक्का, अथवा पुष्प उभयलिंगी हो जैसे मटर। इसका उदाहरण है मक्का, इसका उदाहरण है मटर। मटर के जो पुष्प है उभयलिंगी होते हैं, एक ही पुष्प में उमंग और जायांग दोनों पाए जाते हैं, जबकि मक्का के जो पुष्प है वो दो प्रकार के, एक ही पौधे पर दोनों पुष्प लगे होते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। ये पत्ती हो गई मक्का की, आपने देखा होगा यहां पर इस प्रकार के शीर्ष पर ऐसे पुष्प लगे मक्का के शीर्ष पर इस प्रकार, इनको कहते हैं छिणवा या नर पुष्प, ऐसे होते हैं। और जब पत्ती होती है वहां पे इस प्रकार के आपको भुट्टा जो आता है, तो यहाँ ये तो हो गए कौन से, नर, और ये कौन से हैं, मादा। इस प्रकार का जो पादप क्या कहलाएगा, ये पादप उभयलिंगी है, मटर में पुष्प उभयलिंगी है, ये ध्यान। मक्का का पौधा उभयलिंगी होता है, मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है, अर्थात यहाँ एक ही पुष्प में कुमंग और जयांग है, लेकिन यहाँ कुमंग वाला पुष्प अलग है, जयांग वाला पुष्प अलग है, लेकिन दोनों को धारण करने वाला पौधा एक ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पादप, इसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, यानी स्वयं परागण हेतु पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए, उभयलिंगता, चाहे पौधे उभयलिंगी हो चाहे पुष्प उभयलिंगी हो। दूसरा
दूसरा जो है इसका अनुकूलन है समकाल परिपक्वता। क्या है? समकाल परिपक्वता। देखिए सम माने समान, काल माने समय, परिपक्वता का मतलब परिपक्वन, अर्थात जब पराग कोष में परागकण परिपक्व हो, पराग कोष में परागकण परिपक्व हो उसी समय वर्ती काग्र, उसी समय कौन सी वर्ती काग्र भी परागकणों के ग्रहण करने में सक्षम हो, यानी परागकण का परिवर्तन होने के साथ साथ वर्ती काग्र भी ग्राही होने में सक्षम होनी चाहिए, अर्थात जो कहे पुमंग और जायांग दोनों समान समय में परिवर्तित और समान समय में उनका क्या हो जाना चाहिए परिपक्वन होना चाहिए। इस प्रकार की जो है इसे क्या कहेंगे समकाल, अर्थात पुमंग और जायांग पुष्प के कौन कौन से भाग, दोनों ही नर भाग और मादा भाग समान समय में एक साथ परिपक्व होते हैं तो इसे कहते हैं समकाल परिपक्वता। जैसे मीरा बिलिस जलापा, दूसरा उदाहरण है इसका सदा बाहर, सदा बाहर, यानी समकाल परिपक्वता किसमें पाई जाती है, मीरा बिलिस जलापा या गुल अब्बास जिसको कहते हैं, सामान्य नाम क्या है गुल अब्बास, दूसरा है सदाबहार, इनके जो पुष्प है उन्हें क्या पाई जाती है समकाल परिपक्वता, तीसरा है अन्नून मिलियेता, अन्नून मिलियेता क्लेस्टोगेमी, क्या है क्लेस्टोगेमी, ये जो पुष्प हैं खिलते नहीं, खिलते कह सकते हैं या फूलते कह सकते हैं, खिलते नहीं है यानी हमेशा बंद रहते, कुछ ऐसे पुष्प हैं जो खिलते ही नहीं, ऐसे ऊपर से क्या आ रहे हैं बिल्कुल बंद रहते हैं और उनके अंदर ही जयांग और पुमंग दोनों हैं, जब खिलेंगे नहीं तो बाहर से परागकण नहीं आ सकते, ऐसे पुष्पों में आवश्यक रूप से क्या होता है स्वपरागण ही होता है। जैसे वायोला कंकोवा, अन्नून मिलेता का मतलब यानी ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए उनमें आवश्यक रूप से क्या होता है स्वपरागण ही होता है। जैसे उदाहरण क्या है वायोला तनको, अर्थात देखिए स्वपरागण किसे, सॉरी परागण किसे कहते हैं, पराग कणों का पराग कोष से वर्ती काग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा परागण, यदि एक ही पौधे या एक ही पुष्प के मध्य हो रहा है तो स्वपरागण, स्वपरागण दो प्रकार का कौन कौन सा स्वयुग्मन, एक ही पुष्प में जैसे मटर सजात पुष्पीय है, एक ही प्रजाति के एक ही प्रजाति, एक ही प्रजाति और एक ही पौधा, एक ही प्रजाति और एक ही पौधे, यानी एक ही पौधे पर लगे भिन्न पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है तो कैसा सजात पुष्पीय, जैसे ककड़ी मक्का इत्यादि पर परागण, यानी समान प्रजाति के भिन्न पौधों के मध्य परागण हो रहा है तो क्या कहलाएगा पर परागण, उसकी बात आगे करेंगे। स्वपरागण हेतु अनुकूलन, पहली बात उभयलिंग का, जिसमें उभयलिंगी पुष्प आए जाते हैं, मटर में द्विलिंगी पादक उदाहरण है मक्का, समकाल परिपक्वता का उदाहरण है गुलाबास और सदाबहार, अन्नून मिलियता का उदाहरण है वायोला और कनकुआ। धन्यवाद, पर परागण की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।